बम कांड के बाद मनसुख हिरेन की हत्या हुई और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने सरकार को गुमराह करने का काम किया। वजह की पुनः नियुक्ति उन्होंने स्वयं की थी। जांच जब आगे बढ़ रही थी तो निश्चित रूप से तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे थे। जब सरकार के पास जानकारी आई तो उन्हें वहां से तबादला किया गया। तबादले के बाद उन्होंने झूठा आरोप लगाया। उस आरोप के आधार पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। एनआईए के चार्जशीट में मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो संकेत देती हैं कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर का उसमें क्या रोल था। एडिशनल चार्जशीट शामिल पेश नहीं की जाती। जब अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है तब ईडी के जरिए अलग अलग तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं। यहां तक ये खबर फैलाई जा रही है कि परमवीर सिंह का कहना है कि अनिल परब भी बदली की चिट्ठी।